पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सिविल लाइन क्षेत्र में दो अलग अलग स्थानों पर बिजली के खंभे पर काम करते समय करंट लगने से चार कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। कर्मचारी सोनू उर्फ ललित, दीपक जगराम और सोनू अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के निवासी हैं। सोनू उर्फ ललित की हालत ज्यादा खराब होने के कारण दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया। अभी तक इस मामले में दौलतबाग बिजली घर के जेई गजपाल सिंह को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अंडरग्राउंड लाइनों को चार्ज करने का काम रिलायंस इलेक्ट्रिकल वर्क्स कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कंपनी के ठेकेदार सत्येंद्र पांडे के मुताबिक लाइनमैन ललित और सोनू दीपक पुलिस लाइन के पास मिशन शक्ति चौक पर काम कर रहे थे, जबकि दूसरा लाइनमैन सोनू और जगराम जगर कॉलोनी की कैंप चौकी के पास खंभे पर थे। कार्य के लिए विद्युत निगम से शटडाउन लिया गया। इसके बावजूद बुधवार शाम करीब 7 बजे दोनों खंभों में अचानक करंट दौड़ गया। अचानक तेज रोशनी चमकी और फॉल्ट की आवाज हुई। लोगों ने दौड़कर देखा तो कर्मचारी अपनी सेफ्टी बेल्ट पर बेहोश लटके हुए थे। स्थानीय लोगों ने बिजली घर को फोन पर सूचना दी। इसके बाद कंपनी के अन्य कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए और लाइन मैनों को रस्सी के जरिए खंभे से उतारा गया। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ठेकेदार ने बताया कि सोनू, दीपक और जगराम को पीएमयू में भर्ती कराया गया है, जबकि सोनू और ललित को विद्युत निगम के चीफ इंजीनियर आर के बंसल के आदेश पर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल भेजा गया है। मुरादाबाद। हेलो, क्या हो कैसे गया, हादसा कैसे हुआ, कुछ पता है? सर उस टाइम तो शटडाउन था हमारा, हम ऊपर चढ़ गए, लाइट जंपिंग कर रहे थे, लाइट आगे पकड़ ली है, एकदम लाइट खोल दी जी। कोई कंप्लेन मतलब कोई आपने खबर करी कि लाइन चालू करें या नहीं करें? अचानक किसी खबर नहीं करी, किसी को खबर नहीं करी, एकदम लाइन चालू कर दी जी। कितने लोग थे आप? चार लोग थे, चारों एक ही जगह थे, अलग 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 चारों एक ही जगह आ गए। अभी हम लोग जिला अस्पताल आए हैं, रेडियम सिटी मैडम मेरे साथ में है। ये यहाँ कोई काम, स्मार्ट सिटी कोई काम हो रहा था और किसी कारण से तारों में शायद लाइट आ गई है, उससे ये चार लोग इंजर्ड हुए हैं। इनको यहाँ से अभी रेफ़र कराया गया है बेहतर चिकित्सा के लिए और बाकी अभी जानकारी की जा रही है कि किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है, लेकिन अभी जो चार लोग इंजर्ड थे, चारों जीवित हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। सर क्या पता चला सर, क्या अभी इतना ही पता चला है कि ये यहाँ पर काम हो रहा था, तो स्मार्ट सिटी किसी प्रोजेक्ट में काम हो रहा था और किसी कारण से उस लाइन में जिसमें शटडाउन लिया गया होगा उसमें करंट आने से ये लोग इंजर्ड हुए। जो 33 का बिजली घर है उसका शटडाउन था 132 के भी काट से, और हमने ये प्रथम दृष्टया पता लगा लिया कि शटडाउन वापस नहीं हुआ है, लेकिन जो आदमी वहाँ काम कर रहे थे अब कहीं से करंट आया है उसकी जांच हम करा रहे हैं कि करंट कहाँ से आया। लेकिन इतने बड़े मामले में सर चार लोग हैं काम कर रहे थे, हाँ, और उसके बाद में किसी तरह का शटडाउन, क्या ये संभव है? नहीं, शटडाउन तो वापस नहीं हुआ, ये तो कंफर्म हो गया है 132 के भी कार्ड से। वहाँ के जो एक्सीडेंट ट्रांसमिशन है वो भी मुझे अभी आधे घंटे में अपनी रिपोर्ट दे देंगे, क्योंकि मैं इसमें कार्रवाई तो करूंगा। ये भी अच्छा, एक क्वेश्चन किसी तरह का नहीं लिया गया था, एक मिनट वगैरह क्या सर? एक मिनट, ये सब जांच का विषय है कि इसको जांच कराई जा रही है। कि भाई साहब ये भी सुनने में आया है कि आपके विभाग और कार्यदायी संस्था को लेकर 8 तारीख से शटडाउन को लेकर विवाद चल रहा था, शटडाउन नहीं दिया जाता स्मार्ट सिटी। नहीं, ऐसी तो ऐसी चीज तो, हुई थी। हाँ, तो मैंने आपसे कहा भी था कि ऐसी कोई जानकारी ना शटडाउन कार्य संस्था द्वारा दी गई है। शटडाउन ना देना एक अलग चीज है, जो एक्सीडेंट हो जाना वो एक अलग चीज है। सवाल ये है कि टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, संभव है? अब इसमें ये चीज हो सकती है कि कहीं कोई लाइन क्रॉस कर रही हो तो अगर उससे अगर करंट आया हो तो उसकी हम जाँच कराएंगे अभी दो जगह सर। हाँ, वो सब चीज़ें जांच का विषय है, हम इसको एक घंटे में जांच करके अपनी जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। सर ये काम जो चल रहा था, चल किस स्मार्ट सिटी वाले प्रोजेक्ट में रिलायंस इलेक्ट्रिक फर्म है जो काम कर रही थी। कितने दिनों से काम चल रहा था? काम तो कई महीनों से चल रहा है ये, और इसमें जो फिलहाल डिसमेंटलिंग और उसका काम था अंडरग्राउंड केबल को चार्ज करने का, एक वजह शटडाउन था। ये प्रथम हमने रात जांच करा ली है, जो एक्शन ट्रांसमिशन की लिखित रिपोर्ट अभी नहीं आई है, वो 10-15 मिनट में आ जाएगी कि शटडाउन तो वापस नहीं हुआ है। अब ये करंट कहाँ से आया ये जांच का विषय है। अगर कहीं करंट आएगा, अगर इंटरकनेक्टेड है तो दोनों जगह आ जाएगा। क्या सामने आया, क्या घायलों ने कुछ बताया? नहीं, वो अभी तक नहीं जानकारी आ पाई है, थोड़ी देर में आपको जानकारी हो जाएगी तो बताया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या सामने आया सर? ये तो अभी बताएंगे आपको। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।